गुड मॉर्निंग क्लास 10। कल हम आपको बहुपद लेसन में 2.1 बता रहे थे, आज हम 2.2 एक्सरसाइज समझाने जा रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें 6 पार्ट हैं, 2 पार्ट हम बताएंगे, 4 पार्ट आप होमवर्क में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं कॉपी में। इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों इसको क्या करना है कि इसका आपको पहले गुणनखंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो 4 × 2 = 8 होता है और 4 में से 2 घटाया तो 2 आता है। तो हम कैसे इसको करेंगे, ये 9th में आपने गुणनखंड की प्रक्रिया को समझा है। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 4x कर दें और प्लस 2x कर दें तो ये माइनस 2x आ जाएगा और माइनस 8। इसके बाद इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, x अंदर बचेगा x माइनस 4, प्लस 2 कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा x माइनस 4। तो इसके गुणनखंड हो गए x माइनस 4 और x बीच में प्लस 2 है तो प्लस 2 लिख देंगे, है ना। तो अगर बहुपद जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 हो, है ना, तो इसमें क्या होगा आपका कि x माइनस 4 बराबर 0 रखने में इसका एक गुणनखंड x माइनस 4 बराबर 0 अगर रखें तो इससे आ जाएगा x बराबर 4। तो x बराबर 4 इस समीकरण में हम रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 बराबर क्या आना चाहिए, 0। तो 4 चौक होता है 16, माइनस 8 माइनस 8 बराबर 0। ये क्या इम्प्लाइज करता है, माइनस 8 माइनस 8 मिलके माइनस 16 हो गया, तो 16 माइनस 16 बराबर 0। तो इससे इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब अगर आप इसमें x दूसरा गुणनखंड x प्लस 2 है, x प्लस 2 बराबर 0 रखें तो इससे x बराबर आ जाएगा माइनस 2। अब फिर से वो वाला समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 में x बराबर माइनस 2 रखने पर क्या आएगा, यहाँ माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 8। अब इसको खोलिए तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 8, 4 और 4 प्लस 8, 8 माइनस 8 बराबर 0। तो इससे जो है इसकी सत्यता का जांच हो गया, है ना। अब आप क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a बराबर 1, इसके आगे 1 है, b बराबर क्या आ जाएगा माइनस 2 और c बराबर आ जाएगा माइनस 8। और लेसन के अंदर आप जब स्टडी करेंगी तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। तो ये आपने माइनस रखा फिर माइनस 2 अपॉन ए कितना है 1, तो ये आ गया 2, शून्यकों का योग प्लस 2 हो गया। और शून्यकों का मतलब होता है x की वैल्यू, है ना, शून्यकों का गुणनफल निकालना है आपको। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन a, तो c का मान रखा माइनस 8, a का मान 1 रखा तो ये आ गया आपका माइनस 8। बच्चों दूसरा पार्ट बता रहे हैं, 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 है ना, तो इसका आपको आंसर निकालना है। तो इसके गुणनखंड जब आप करेंगी 4s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1, ये माइनस 4s है बुक में,
माइनस फोर एस, तो ये टू एस का होल स्क्वायर है, ठीक है। और वन क्या है, वन का होल स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मालूम हो गया, और बीच में माइनस लिखा है यानी माइनस टू ए भी होगा, तो टू ए की जगह हम टू एस रख देंगे और बी की जगह हम वन रख देंगे क्योंकि ये बी है। तो ये सीधे सीधे आपका ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया, टू एस माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो जब गुणन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इससे आपका यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 है, तो इससे s बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 में s बराबर 1/2 रखने पर क्या हो जाएगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 बराबर 0 आना चाहिए। देखते हैं, ये 4 हो गया और ये 1/4 हो गया, और ये क्या हो गया, इससे ये कट गया तो 2 हो गया माइनस 2, और ये प्लस 1, 4 से ये कटा तो क्या आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 और 1 मिलके प्लस 2 बन गया, 2 माइनस 2 बराबर 0, है ना। तो इस तरह से 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्यक 1/2 और 1/2 ही हैं, क्योंकि दोनों मान 1/2 है इसका, ठीक है। अब हम शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का योग तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अब इस समीकरण में ए बराबर है 4, बी बराबर है माइनस 4 और सी बराबर है प्लस 1, तो इससे आप मान रखिए तो क्या आ जाएगा, माइनस और बी की जगह माइनस 4 और ए की जगह 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 कट के आ जाएगा 1। और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो वो होता है c अपॉन a, c बराबर क्या है प्लस 1 है और a क्या है 4 है, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया 1/4। तो बच्चों इसमें जो है आपके 6 पार्ट हैं और सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से इसमें करने हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है इसका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें भी एक सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी सारे सवाल उसी तरह से आपको करने हैं। तो बच्चों ये शून्यकों का योगफल पहले पार्ट में दूसरे के दिया हुआ है, 1/4 है, शून्यकों का गुणनफल माइनस 1 है। तो इसमें हमने माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा मान ले रहे हैं, अल्फा तथा बीटा हैं, है ना। तो शून्यकों का योगफल क्या हो गया, शून्यकों का योगफल बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल बराबर हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको 1/4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है माइनस 1। तो हमको जब द्विघात बहुपद बनाना है तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप का, है ना, के रूप का होगा। अब हम x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को खोलते हैं तो हमारे पास आता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा।
अब जो हमारे पास मान रखे हुए हैं वो इसमें हम रख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, और मूल लोगों का गुणनफल -1 है तो हम -1 लिख देंगे, ये 1/4 है बच्चों। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4/4 है ना। तो इस 4 को हम k मान लेते हैं, तो इसको k टाइम्स लिख सकते हैं, 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो अभीष्ट बहुपद जो है वो या तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4 होगा, या जो उसमें एक नियत अंक 1/4 है तो ये होगा, या आप लिख सकते हैं इसको कि k टाइम्स 4x² माइनस एक्स माइनस 4 होगा, जहां k बराबर 1/4 एक वास्तविक संख्या है। तो सारे क्वेश्चन बच्चों इसी तरह से कर लीजिएगा, इसमें भी 6 पार्ट थे, एक पार्ट हमने बता दिया है, और ये क्वेश्चन आप लोग पूरा कर लीजिएगा समझ के, पहले चैप्टर पढ़िएगा उसके बाद करिएगा।